रजा भाई कहीं के माइक खुले हैं, प्लीज वो जी वो म्यूट सब ना हो करा जाएंगे। करो। इब्राहिम साहब के माइक म्यूट आप प्लीज कर देना। जी थैंक यू थैंक वेरी यू मच आप सबके ज्वाइन करने का। मिसबाह लॉक हमारे साथ हैं, साउथ अफ्रीका से हमने सीरीज 2-0 विन की है। मिसबाह मैं आपसे पूछूंगा कैसा कितना आपके लिए सेटिस्फाई था इस सीरीज विन करना और क्या पॉजिटिव आप इससे देखते हैं प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी एक सीरीज थी हमारे लिए। एक तो इस लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट था कि बड़े अरसे के बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का टूर किया साउथ अफ्रीका ने, और सबसे खुशी की बात ये है कि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में आ रही है और अब सारी टीमें आना शुरू हुई है। हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, किसी भी मुल्क की क्रिकेट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम सीरीज खेलें आप और टेस्ट सीरीज खेलें, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत जबरदस्त मौका होता है आपके प्लेयर्स को डेवलप करने का। उनको उनको उनकी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे बेहतर होती हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, और फिर यहाँ की परफॉर्मेंसेस को लेके वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं उनके लिए आसानी होती है वहाँ परफॉर्म करना। दुनिया सारी में इसी तरह हो रहा है, टीमें डेवलप हो रही हैं अपने मुल्कों में और फिर वो वहां से परफॉर्मेंसेस करते हुए दूसरी जगहों पे भी जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है परफॉर्म करना। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज थी, और यहाँ टीम की परफॉर्मेंसेस बहुत जरूरी थी आफ्टर वेरी पुअर सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आई थिंक मच नीडेड विन थी हमारी ये, और क्रेडिट पूरी टीम को, लड़कों को, मुश्किल सिचुएशंस आए, अच्छा फाइट बैक किया मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में, और एज अ होल अगर देखा जाए तो टीम ने परफॉर्म किया है। कोई एक दो बंदों पे नहीं है, सबकी परफॉर्मेंसेस हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, मुश्किल जगहों पे टीम को मुश्किल से निकालने के लिए और जीत की तरफ ले जाने के लिए। तो आई थिंक वेरी सेटिस्फाइंग विन, और होपफुली इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करें और जो कुछ हमारी गलतियां थी यहाँ पे उनको हम बेहतर उनको हम खत्म करें और आगे चल के और बेहतर क्रिकेट खेलें। और एज अ होल, एज अ टीम मैनेजमेंट, एज अ टीम, आई थिंक पूरे तरीके से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं विद द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम। जी थैंक यू। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। जी सुहेल इमरान, यूसुफ अंजुम और इजाज बाकरी। मिसबा सलाम अलैकुम। मिसबा बैल, तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह आपने कहा कि एक बहुत पुअर कारकर्दगी रही थी, उसके बाद प्रेशर भी हुआ आपको और वकार यूनुस को हटाने की बातें भी होती रही, तो कितना एक रिलीफ महसूस करते हैं कि मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि एक लटकती तलवार जो है वो आपसे उठा ली गई है, लेकिन कितनी जरूरी थी आप दोनों के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, जिसके लिए कहा गया था क्रिकेट कमेटी की जानब से कि सेकंड पोजीशन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो साया ऑफ रिलीफ है आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो इमरान, मैं ये बात करूंगा कि कमेटी ने जो भी बात की है या जो भी बात मीडिया में चल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा है, ना मुझे कोई इस चीज का प्रेशर है, ना कभी खेलते हुए, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जो आप मैच खेल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, बस उस पे उस टाइम पे कंसंट्रेट करें। जिंदगी में आपको अगले लम्हे का ना कुछ पता है, ना कोई श्योरिटी है, ना सिक्योरिटी, वो किसी की तरफ से भी नहीं, तो उस चीज का प्रेशर, हाँ जो प्रेशर है वो इस चीज का है कि आपने अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, आपने अपने सामने कुछ गोल रखे होते हैं, और आप जब वो अचीव नहीं होते टीम से या आपसे, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और इस चीज की फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली थी कि यार हम इंग्लैंड में भी हमारे पास मौका था, हमारे हाथ से मैच निकल गया, फिर न्यूजीलैंड में पहला मैच हम ड्रॉ कर सकते थे, दूसरा मैच हमने अच्छा टोटल लगाया, पर जब इम्पोर्टेंट मौके आए वहां पे हमने कैचेस ड्रॉप हमसे हो गया और मैच हमारे हाथ से निकल के एंड पे ऐसे लगा कि जैसे हम वन साइडेड मैच हार गए। तो वो चीजें जरूर हमारे जहन में थी कि भाई इनको हमने जो है वो इन इन कमियों को हमने खत्म करना, कोशिश करना है कि वो जो विनिंग परफॉर्मेंसेस जहाँ पे टीम के हाथ में मैच आता है, जो फिनिशिंग लाइन पे, वो हमने करनी है, कोशिश करनी है अपनी फील्डिंग में जो हमारे
प्रॉब्लम्स थे वहां पे, उस पर ज्यादा ज्यादा मेहनत करें, उसको कोशिश करें। लड़कों ने बहुत मेहनत की और अल्लाह ने रिजल्ट दिया। क्रूशियल स्टेजेस पे कल कैचेस पकड़े, पूरी सीरीज में पकड़े आबेद ने, इमरान भट्ट ने, रनआउट्स बड़े अच्छे हुए क्रूशियल स्टेजेस पे। तो वो जो फील्डिंग का एक फैक्टर था उसने बड़ा हमें हेल्प किया यहाँ पे, उसमें बहुत बेहतरी आई। फास्ट बॉलिंग ने कल अपना रोल प्ले किया ओवरऑल थ्रू आउट द सीरीज, स्पिनर्स ने रोल प्ले किया, बैट्समैनों ने स्पेशली लोअर ऑर्डर के बैट्समैनों ने, आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस इन दिस सीरीज। फहीम की जिस तरह की फॉर्म है, फिर उसके साथ बॉलर्स जिस तरह से नीचे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 70-80 से 100 रन्स हायर इनिंग में ऑलमोस्ट दे रहे हैं, सो दैट वाज आई थिंक द डिफरेंस इस सीरीज में। तो ये वो चीजें हैं जिन पे काम कर रहे हैं, इन पे कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक खुशी है तो पाकिस्तान में हम ये सीरीज जीते, टीम पे कॉन्फिडेंस वापस आया, नाउ टीम इज इन बेटर शेप आगे खेलने। मिश्रा, सबसे पहले तो सबका पूरे कोप की तरफ से शुक्रिया कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। सब लोग इस पर खुश पर भी हैं। आप T20 सीरीज आ रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि जो T20 की टीम है साउथ अफ्रीका की उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, तो क्या इस चीज को हम मद्देनजर रखेंगे कि जो मजबूत नहीं थी क्योंकि टीम, क्योंकि पहले से श्रीलंका भी हमने देखा कि वो इतने कमजोर कहा जा रहा था उसको, लेकिन उसने हमें हराया था। तो आप कैसा देखते हैं कि टीम का मोराल इस जीत के बाद कितना बुलंद है, और क्या ये आसान हरीफ नहीं होगी इस दफा? देखिए ऑब्वियसली टीम का मोराल बुलंद है और हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छे माइंडसेट में है टीम। बट कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी टीम होती है तो वो उस पे कोई प्रेशर नहीं है, विदाउट प्रेशर खेलेंगे। और T20 ऐसा फॉर्मेट है, ये छोटा फॉर्मेट है, एक अच्छी इनिंग एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस पूरा मैच जो है वो चेंज कर देती है। तो आई थिंक हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। हम T20 वर्ल्ड कप से पहले कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा परफॉर्म करें और जीतें, ताकि जीत से जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है, टीम टीम एक माइंडसेट उसका बदलता है, वो हम वापस लाने की कोशिश करें। ये कभी भी नहीं होता, कोई भी टीम आपके लिए आसान नहीं होती T20 में, और हमें ये पता है। और इंशाल्लाह पूरी अपना जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट दें और सीरीज जीतने की कोशिश। अब मिस्बा, मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज थी जिसको अपना के कराची और रावलपिंडी में पाकिस्तान की टीम ट्रैक पर चढ़ी है? आप दौरे ऑस्ट्रेलिया देख लें या लाहौर में श्रीलंका से, जब आप पहले 2 T20 हारे थे, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, फिर इंग्लैंड गए, उसके बाद अभी न्यूजीलैंड से आए, तो वो क्या चीज थी जिनको लड़कों ने अपनाया और टीम दोबारा ट्रैक पर चढ़ी है, वो सब लोग जानना चाह रहे हैं। देखें यार, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसी चीज जादू की छड़ी नहीं होती कि एक दिन में आप करें तो आपकी टीम जो है ट्रैक पे चढ़ जाए। आई थिंक ये वो साल सवा साल की मेहनत थी जो सारे करते हुए आ रहे थे, बट समहाउ वो एंड रिजल्ट हमारे बदल नहीं रहे थे। वो करीब आ गए, हम इंग्लैंड में भी एक सेशन 1 घंटे में मैच हमारे हाथ से निकल गया। न्यूजीलैंड में फाइट किया फाइट किया, टेस्ट मैच ड्रॉ पे ऑलमोस्ट ले गए थे उस सिचुएशन से। एंड पे 4 ओवर 5 ओवर की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे से वो मिसिंग्स हो रही थी, जो कि फील्डिंग में भी थी, जो बैटिंग में भी थी, जो बॉलिंग में भी थी। आई थिंक अ बिट ऑफ एवरीथिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी मेरे ख्याल में, जो जो डिफरेंस था इस सीरीज में, वो मैंने पहले भी कहा, वो ओवरऑल हमारी जो फील्डिंग एफर्ट थी वो डिफरेंस था। एक कॉन्फिडेंट टीम तो थी और उसमें काफी मेहनत भी की लड़कों ने, बट आई थिंक क्रूशियल स्टेजेस पे हमने चांसेस अवेल किए, हमने रनआउट्स किए, हमने कैचेस किए जहां हमें जरूरत थी, डिफिकल्ट यानी वो जहां बिल्कुल मैच जो है वो फंसा हुआ सिचुएशंस में। और बॉलिंग और बैटिंग में तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस आई हैं। फिर मैंने पहले कहा कि लोअर ऑर्डर की जो कंट्रीब्यूशंस थी बैटिंग की, वो भी बहुत क्रूशियल थी। ओवरऑल जो डिफरेंस था वो माइंडसेट का था। माइंडसेट मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप अपने मुल्क में क्रिकेट खेलते हैं, जब अपनी कंडीशंस में क्रिकेट खेलते हैं, तो अपने घर में आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ श्योरिटी होता है। आप वहीं पे क्रिकेट खेलते हो और आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस इतना होता है कि हाँ यहाँ ऐसे करना है ऐसे करना। आई थिंक दैट हेल्प टू, और शुक्र अल्लाह का एट द एंड ऑफ द डे के सारी चीजें मिलके पे ऑफ की और हम लोग जीते। तो
मच नीडेड जीत थी हमारे। जी नेक्स्ट है अंश अली एंड बिलाल। मिसबा भाई, आपने जब वो रिजवान को और इसके साथ फहीम की अगर बात करें तो काफी देर जो है वो साथ अपने कैरी रखा है, लेकिन अब जो है वो मोहम्मद रिजवान ने अपनी फॉर्म से जो है वो साबित कर दिया है कि वो एक अच्छे जो है विकेट कीपर के साथ अच्छे बैट्समैन भी हैं। तो काफी तनकीद हुई थी आप पे फहीम को खास तौर पे साथ रखने पे, जी वो फॉर्म में नहीं है और परफॉर्म नहीं कर रहे काफी लंबे अरसे से, तो उसको साथ लेके चल रहे हैं। तो आप अपने जो तनकीद करने वाले हैं जो आपसे उस पे तनकीद कर रहे थे, तो उसको उनको आप क्या कहेंगे, और इसके साथ ये कितनी जो वैल्यू एडिशन है पाकिस्तान टीम के लिए कि फहीम जो है वो एक ऑलराउंडर के फॉर्म में जो है वो सामने आ रहे हैं और मोहम्मद रिजवान जो है वो काफी अच्छी फॉर्म में है। जाहिर है जी, दो इस टाइम हमारे हमारी टीम के ऐसे समझे पिलर्स हैं, जितने भी हम मैच खेले हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और टाइमली परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जहाँ तक कैरी करने की बात है, ऑब्वियसली कुछ प्लेयरों को जब आपने देखा होता है और इनकी परफॉर्मेंसेस को आपने देखा होता है अंडर प्रेशर के वो किस कैपेबिलिटी के हैं, तो कोशिश करते हैं और वो आपकी टीम की जरूरत भी हो, स्पेशली बॉलिंग ऑलराउंडर जो नंबर 7 पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू काफी अरसे से है। उसके बगैर हमारी टीम का कम्बिनेशन ना यहाँ पे बनता है ना बाहर जाके बनता है। इजीली एक कम्बिनेशन आपका बनता है, जितनी देर अब्दुर्रज़ाक या अज़हर महमूद ये लोग खेलते रहे तो आप देखेंगे पाकिस्तान के पास हमेशा 3 या 4 सेम ऑप्शन होती थी प्लेइंग 11 में, बैटिंग भी पूरी होती थी प्लस फिर 2 स्पिनर्स भी खिलाते थे। तो ये बैलेंस राइट करने के लिए बाहर भी और यहाँ पे भी बड़ा जरूरी था कि हम किसी ऑलराउंडर को मौका दें डेवलप करें जो के, और प्रीवियसली फहीम ने जितने भी टेस्ट खेले थे उसने में 1-2 उसमें परफॉर्म भी उसने किया था बैट के साथ, तो आई थिंक उसको देखते हुए उसको चांस दिया, उसको कंसिस्टेंटली साथ रखा। और रिजवान की परफॉर्मेंस सबके सामने है, डोमेस्टिक लेवल पे उसने बहुत परफॉर्म किया, कैपेबल था, और स्पेशली जो एक चीज नजर आती थी कि वो हमेशा से ही फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलता था और इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग मोस्टली आपको टीम्स 4-1 या 3-2 या इवन कई दफा तो 5 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन जैसे न्यूजीलैंड में खेल रही थी, तो ऐसे प्लेयर अगर आपके पास हो नीचे विकेट कीपर बैट्समैन तो वो आपको मेरे ख्याल में वो बड़ा जबरदस्त एक एडवांटेज मिलता है। कट पुल वो अच्छी खेलता था डोमेस्टिक में जब भी वो बैक फुट के शॉट्स, तो वो चीजें इनमें थी, उसी वजह से उसको मेहनती भी बहुत है और परफॉर्मेंस और स्पेशली क्रिटिकल जो जितना मैंने उसको डोमेस्टिक में भी देखा था कि टाइमली जो प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्मेंस थी उसकी, ये देखते हुए उसको कैरी किया, उसको चांस दिया, और आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम, उसने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, नाउ ही इज डूइंग इट फॉर पाकिस्तान। मिसबा भाई, मुस्तकिल क्रिकेट हो रही है, मुस्तकिल खिलाड़ी बायोसिक्योर माहौल में रहते हैं, समझते हैं कि खिलाड़ी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप एक सीनियर खिलाड़ी हैं, आप खुद भी आपकी सोच भी खिलाड़ियों जैसी होगी, तो आप समझते हैं कि अभी जो PSL है फिर उसके बाद अप्रैल में टूर आ रहा है जिम्बाब्वे का, ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप वर्ल्ड T20 को मद्देनजर रखते हुए रेस्ट देना चाहेंगे ताकि वो लॉन्ग टर्म चल सकें, और फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, मतलब है कि ये थोड़ी सी नॉर्मल हालात से हट के है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड काफी जो है ये बायस के और बबल के जो मामलात है इसमें काफी चीजें डिफिकल्ट हैं, बट ऑब्वियसली हमारे लिए क्रिकेट भी इम्पोर्टेंट है और इन प्लेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोशिश यही है हमारी कि हम इन प्लेयर्स के साथ क्लोज रहें और इनको इनके साथ डिस्कस करते रहते हैं कि क्या सिचुएशन है इनकी, मेंटली ये क्या फील कर रहे हैं और कैसे है, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। देखें अगर आप प्लेयर खुद विलिंग हो खेलने को एंड ही इज ओके, ही इज एंजॉयिंग क्रिकेट, तो फिर तो हमें इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब इंग्लैंड सीरीज में भी आप देख लें जिन प्लेयर्स ने उस टाइम पे खुद बोर्ड को कह दिया था कि हम नहीं कर सकते तो वो नहीं गए थे, तो कोई मतलब इस चीज का ख्याल तो रखता है क्रिकेट बोर्ड भी रखता है, हम भी रखते हैं, बट अब अगर एक प्लेयर खेल रहा है वो फिट भी है और वो मेंटली भी ठीक है, नो डाउट इट्स टफ इस इन सिचुएशंस में कि कंटिन्यूअसली एक बबल से दूसरे में जाना, फिर खेलना, फिर ट्रेवल करना,
But at the same time, if somebody is enjoying, somebody is okay, I think then we should always just support him. मिसबा भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से हमारी ओपनिंग जो है जोड़ी वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। शान मसूद वो भी परफॉर्म नहीं कर सके, उसके बाद इमरान भट्ट को लाए, दूसरे एंड से आबिद अली भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जितना उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती थी। तो इस हवाले से एज अ हेड कोच आप क्या सोचते हैं कि मुस्तकबिल में आबिद अली को मजीद चांस देना चाहिए या फिर जो है वो नए ओपनिंग जोड़ी की तरह तलाश करनी चाहिए? देखें, हमारे पास आबिद है, शान है, अभी इमरान भट्ट है और अब्दुल्ला शफीक हमारे पास था। अनफॉर्चुनेटली और कोई भी इस साल कोई ओपनर्स फर्स्ट क्लास में स्पेशली ऐसे नहीं जिन्होंने ज़्यादा परफॉर्मेंस की। आई थिंक कि ये अच्छे प्लेयर हैं, बुरा टाइम थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म, द रॉन्ग टाइम जो है आबिद भी आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, फिर इमाम टीम के साथ था वो इंजर्ड हो गया, तो प्लेयर्स यही हैं हमारे पास और हम ये नहीं कर सकते कि इनको डिस्कार्ड कर दें। ऑब्वियसली इनकी थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म है, शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है, रन नहीं हो रहा है, इट कैन हैपन, ये प्लेयर्स के साथ हो सकता है। कोशिश करेंगे कि इन पे काम करें, अभी टाइम है जो PSL में नहीं है, मैं भी यहाँ पे हूँगा NHPC में, और कोशिश करेंगे कि इनके जो टेक्निकल इशूज हैं या छोटी मोटी चीज़ें हैं उन पर काम करें और फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह। डिस्कार्ड किसी को नहीं किया, फॉर्म जैसे ही बेहतर होगी तो मेरे ख्याल में यही प्लेयर हैं जिन्होंने आगे चल के पहले भी परफॉर्म किया और आगे भी ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है उस्मान कादिर एंड हाफिज। अच्छा मिसबा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि ये जो अभी सिलेक्शन हुई है T20 सीरीज के लिए, उसके अंदर काफी नए नाम जो हैं वो मोहम्मद वसीम ने लेके आए हैं और उनको मौका दिया है, क्या आप समझते हैं कि इसमें इस टीम में कुछ तजर्बे की कमी है? आप जिस तरह लास्ट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब आप न्यूजीलैंड से सीरीज हार के आए थे, फखर जमान को आप कहते थे कि बड़ा मेन प्लेयर है, उनको भी ड्रॉप किया गया, सिलेक्शन नहीं हुई, तो क्या आप समझते हैं कि उसको फखर को भी टीम में होना चाहिए और थोड़े सीनियर्स खिलाड़ी हैं जिस तरह हफीज थे वो भी नहीं आ सके टीम के अंदर T20 में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो फखर की बात है मेरे ख्याल में आप बेहतर तो ये है कि चीफ सेलेक्टर भी आपको इसके बारे में बता सकते हैं। फखर की इंजरी थी, वो आखिरी इसलिए मैच भी नहीं खेला यहाँ पे वनडे का, कुछ फॉर्म का उसका है इस वजह से शायद उसको नहीं कंसिडर किया है। फीस का आपको सबको पता है कि वो बायस की और बबल की जो प्रोटोकॉल्स थे उसकी वजह से नहीं है। तजर्बे की जहां तक बात है, आई थिंक शॉर्टर फॉर्मेट है, सामने साउथ अफ्रीकन टीम भी ऑब्वियसली उनकी भी काफी नई टीम है और ये प्लेयर अभी न्यूजीलैंड में भी खेल के आए हैं, हमारे काफी जो ए टीम थी हमारी शाहीन थी वहां पे खेलती हुई आई। सही कह रहे हैं आप, एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है बट आई थिंक कैपेबल है, पोटेंशियल है इनमें। आई थिंक इट्स गुड कि इनके पास वर्ल्ड कप से पहले चांस है यंगस्टर्स के बाद पास के ये होम सीरीज खेल रहे हैं परफॉर्म करने का और इस पूल में आने का और आगे वर्ल्ड कप के लिए अपना स्ट्रॉन्ग केस बनाने का। ओवरऑल आई थिंक टीम अच्छी है, पोटेंशियल अच्छा है, इट्स नाउ अप टू द प्लेयर्स, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये इसमें काफी प्लेयर्स खेलते हुए भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे इनएक्सपीरियंस। आई थिंक बाबर खुद है, फिर रिजवान है, हैदर अली अब मतलब पिछली की काफी सीरीजों से खेलता हुआ आ रहा है, फिर हुसैन तलब पहले भी खेला हुआ है और अभी पाकिस्तान ए शाहीन के साथ भी परफॉर्मेंसेस की हैं उसको वहाँ पे न्यूजीलैंड में, फिर इफ्तिखार है टीम में आसिफ अली भी पहले खेलता हुआ है। ये बात नहीं कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस टीम, एक्सपीरियंस टीम है और जो नए लड़के और लड़कों को चांसेस मिले, आई थिंक इट्स गुड कि जो पूल हमारे पास T20 वर्ल्ड कप के लिए मोर और लेस सारे लड़के उसमें हैं, तो हमें जब जहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ होंगे तो हमें उनको और हमें बेहतर मौका मिलेगा कि हाँ जी हमने कैसे आगे जाना है और इन
लड़कों में से कौन से लड़के हैं जो वर्ल्ड कप के लिए इन्हीं में से होंगे, तो उनको देखने का, उनको खिलाने का या उनको परखने का हमारे पास भी मेरे ख्याल में बेहतर मौका। जी कादिर जी, अस्सलाम वालेकुम इस भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जो खतरे के बादल थे वो मंडला रहे थे, वो चढ़ गए हैं। और जिस तरह बिलाल ने बात की ओपनिंग पेयर की, हमारी लैग कर रही है ओपनिंग पेयर, आबिद और पहले शान मसूद थे फिर अब इमरान भट्ट, तो ये बड़ी जल्दी नहीं हो जाएगी कि इमरान भट्ट को हौसला देने के बजाय उसको सीरीज से अगली सीरीज में मौका ना दिया जाए? और इमामुल हक जो है, वो जब मैंने इंटरव्यू किया मोहम्मद वसीम का, उनसे पूछा कि इमामुल हक का क्या फ्यूचर है, तो वो कहते थे कि इमाम को हमने सर्टन 50 ओवर्स के लिए फिक्स कर दिया है, फिलहाल उसको अभी टेस्ट और टी20 में मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरा सर ये है कि मिसबा भाई, शर्जील खान और आजम खान के मुतालिक कह रहा था कि कोच और कप्तान जो है उनकी फिटनेस के लिहाज से मुतमइन नहीं दिखाई दे रहे, तो उनका क्या सर कहना चाहेंगे? ये ओपनिंग के हवाले से ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है, मैंने पहले कहा कि ये हमारे यही टॉप के ओपनर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल में भी की हैं, तो हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी चाहिए। आउट ऑफ फॉर्म कोई भी हो सकता है, रन किसी से भी नहीं हो सकते, डिस्कार्ड करने की बजाय कोशिश करेंगे कि इनको इनके साथ काम करें। देखें हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है NHPC की, स्पेशली अब इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट का एक पूरा वहाँ पे विंग है और उस पर आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती किसी भी प्लेयर की, और अब टाइम भी मिल जाएगा, एक डेढ़ महीना में मिलेगा काम करने का, तो हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। दूसरी आपने शर्जील और उनकी फिटनेस की बात की, तो देखें ये सबको समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान टीम में आने के लिए देर आर सर्टन फिटनेस स्टैंडर्ड्स, वो हमारे बिल्कुल वो बिल्कुल सबके सामने हैं, इन सबके पास हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं उनके भी पास हैं। अगर उससे कोई बंदा बहुत ज़्यादा नीचे है तो वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इनको कोशिश करनी होगी कि भाई इनको टारगेट्स, वो वसीम ने भी बात की होगी इनसे, मैंने भी शर्जील से बहुत पहले बात की है, इवन आजम से भी बात की है, तो दे हैव टू जस्ट पुल देयर सॉक्स कि हाँ जी हमें हमारी परफॉर्मेंसेस हैं, हम रन्स कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट वो स्टैंडर्ड भी मीट करने हैं फिटनेस के पाकिस्तान टीम में आने के लिए। आई थिंक मैसेज तो कन्वे हुआ है और हम उनकी जो हेल्प होगी वो भी करेंगे, जहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए भी। लेट्स सी हाउ इट गोस। जी हाफिज शहबाज एंड मिस्टर भाई, वो इमाम का पोर्शन रह गया था, सॉरी जी, सर्टेन वनडे। देखें अभी तो फिलहाल हम टेस्ट नहीं खेल रहे, बाहर था, लेट्स सी आगे देखते हैं के कैसे सिलेक्शन हो, जब टेस्ट सीरीज आएगी तो फिर उसको देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा, पहले तो मुबारक हो बहुत बहुत के माशाल्लाह 18 साल के बाद हमने टेस्ट सीरीज जीती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगर मिसबा हम देखें, अब्दुल्ला शफीक हैं या इमरान भट्ट की दो मिसालें हमारे सामने हैं, इससे पीछे भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं कि प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो प्रेशर नहीं ले पाते। तो क्या आप समझते हैं कि हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो लड़के मिसाल के तौर पे जहाँ परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, इस दफा के अगर हम टॉप 10 बैट्समैन ले लें, टॉप 10 बॉलर स्पिनर, उनके लिए एक प्लान दे दिया जाए कि आप दो सीजन खेलेंगे और इसके बाद आप जो है आपको लेकर आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो ये हमारे यहाँ जंप आता है ये खत्म हो सकता है? क्या समझते हैं आप, ऐसा होना चाहिए? कोशिश तो यही होती है, लेकिन इमरान भट्ट को अगर देखा जाए तो इमरान भट्ट तो पिछले सीजन में उसने परफॉर्म किया, इस सीजन में परफॉर्म किया और काफी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। मेरे ख्याल में चाहे देव भी हो, जब भी आप चाहे आप खेलते हुए भी आ रहे हो, थोड़ा सा टाइम किसी भी प्लेयर को देना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, आपको टाइम लगता है सेट होने में। ये जरूरी नहीं कि आते ही हर प्लेयर पहले या दूसरे मैच में या पहली सीरीज में परफॉर्म करे, तो आई थिंक इस चीज को हमें समझना है और हम समझते भी हैं इस चीज को, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसे ना करें कि प्लेयरों को बिल्कुल एक आधी सीरीज की बेसिस पे जज करके तो उनको साइडलाइन किया जाए। आई थिंक उनको ड्यू टाइम दिया देना चाहिए, देंगे कोशिश करेंगे और जो भी काम हो सकता है उनकी
टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हवाले से वो जरूर हम करें उन पे, और बाकी जो आप ये कह रहे हैं उसके लिए जाहिर है अभी शाहीन का ए टूर था और आगे भी कोशिश हो रही है कि एक ही टूर हो ताकि इन प्लेयर्स को डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, तो एक बीच में जो पिच एक है एक ही क्रिकेट ये खेलें और उसको थोड़ा सा और फिर एक्सपोजर मिले इनको, फिर पाकिस्तान टीम में आने में इनके लिए थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। तो आई थिंक ये सारी चीजें तो और भी हो रहा है, इनकी कोशिश भी हो रही है, इंशाल्लाह फ्यूचर में जरूर होंगे। जी अरसलान एंड देन एहतिशाम प्लीज। अरसलान आपको आवाज आ रही है? ओके एहतिशाम भाई आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। एहतिशाम भाई आपको आवाज आ रही है? अरसलान आपको आवाज आ रही है? ओके आई थिंक दोनों पार्टिसिपेंट्स को आवाज़ नहीं आ रही। जी थैंक यू वेरी मच जी आप सबके ज्वाइन करने का। थोड़ा सा आपको स्केड्यूल चेंज बताएंगे कि जी 2:30 बजे होगी हैदर अली एंड उस्मान कादिर की, क्योंकि 3 बजे साउथ अफ्रीकन की भी है तो वो थोड़ा सा क्लैश हो रहा था, इसलिए 2:30 पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। लिंक आपसे शेयर कर लिया जाएगा प्लीज़।